नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आप सबके बीच डॉक्टर प्रणु शुक्ला आपको भक्ति साहित्य की पूर्व पीठिका या भक्ति काल की भूमिका बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं भक्ति काल की, तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि समय सीमा कितनी है हमारे भक्ति काल की, जो हमारे विद्वानों ने मानी है और हम क्या मानते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा जो आज की विषय वस्तु है वह है भक्ति काल की भूमिका। भक्ति काल की भूमिका, देखिए, आजकल कोई भी परीक्षा हो उसका एक नेचर हो गया है, उसकी एक प्रकृति हो गई है। वो प्रकृति है बहुविकल्पात्मक होना या वस्तुनिष्ठ होना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने की वजह से हम किसी परीक्षार्थी की उसमें बहुत गहराई तक जांच कर पाते हैं, इसलिए ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ हो गई है। हालांकि भाषा में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम विद्यार्थी की भाषा शैली उसमें हम नहीं जान पाते, लेकिन विद्यार्थी को कितना गहरे तक उस विषय वस्तु को वो समझ पाया है उसकी जांच हम बहुविकल्पात्मक या वस्तुनिष्ठ परीक्षा में करते हैं। तो आजकल लगभग 100% परीक्षाओं में बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं, जिसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनकी ये इसलिए आप लोगों के बीच रखे जाते हैं ताकि आपकी गहराई से जांच हो सके। इसमें जो चीज़ महत्वपूर्ण रूप से आती है वो है, एक तो तथ्य पूछे जाते हैं, है ना, फैक्ट्स जिसको हम कहते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं। दूसरा ये है कि कहाँ तक, कितने भीतर तक विद्यार्थी उस विषय वस्तु को पढ़ पाने में, उस विषय वस्तु को जान पाने में समर्थ हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की भूमिका के बारे में, भक्ति काल की पूर्व पीठिका के बारे में। भक्ति काल को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि भक्ति काल क्यों आया, ऐसी क्या परिस्थितियां रही, ऐसे क्या कारक रहे जिसके कारण से भारतीय साहित्य में भक्ति साहित्य का शंखनाद हुआ। ऐसी क्या परिस्थितियां रही, ऐसी क्या भावधारा रही कि भक्ति साहित्य हमारे बीच में आया। तो सबसे पहले हम जानते हैं मित्रों, भक्ति काल का समय क्या है। हमारे बहुत सारे मनीषियों ने, साहित्यिक मनीषियों ने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है। हम सर्वमान्य मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हमारे सर्व प्रमुख हिंदी के आलोचक हैं, उनका मानते हैं, उन्होंने भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। देखिए, यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यह विक्रम संवत है, ईस्वी संवत नहीं है, और विक्रम संवत ईस्वी संवत से सदैव आगे चलता है 57 वर्ष। इसके बाद मैं कहूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ, कई बार ये प्रश्न हमारे यहाँ पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ किसने इस समय सीमा को स्वीकार किया है, या कौन ऐसा विद्वान है जो इस समय सीमा को स्वीकार करता है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब हम इसके आगे आते हैं। ये हुआ विक्रम संवत 1375 से 1700, 1375 से 1700। अब डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी समय सीमा ईस्वी सन में बदलते हुए क्या मानी है, 1350 से 1600 ईस्वी, 1350 से 1600 ईस्वी सन, 1350 से 1650 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि सन 1350 से 1650 तक का जो काल है, सन 1350 से 1650 तक की जो साहित्य की प्रवृत्ति है वो भक्ति उन्मुख रही, और इस काल को हम भक्ति काल की संज्ञा से अभिहित करते हैं, भक्ति काल की संज्ञा से जानते हैं। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें बताया। अब हम
ये देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या कारण थे, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जिनसे भक्ति साहित्य, भक्ति साहित्य का शंखनाद हमारे बीच में हुआ। कबीर आए, तुलसी आए, सूर आए, ये कैसे आए और भक्ति साहित्य में किन माध्यमों के द्वारा इन कवियों का आगमन हुआ, इन साहित्यकारों, इन रचनाकारों का आगमन हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं भक्ति काल की प्रेरित परिस्थितियाँ। सबसे पहला हमारा विषय वस्तु का बिंदु है भक्ति काल की परिस्थितियाँ। क्या हुआ था कि भक्ति काल आया? पहली, सबसे पहली सर्व प्रमुख परिस्थिति हम देखते हैं, राजनैतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति। ठीक, राजनीतिक परिस्थिति में क्या हुआ, उस समय जो भारत का माहौल था वो बहुत अस्त व्यस्त था। सैयदों का शासन था, इब्राहिम लोदी का शासन था, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तुगलकों की व्यवस्था थी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था वो ऐसा शासक था जो अपनी राजधानी कहाँ से ले, कहाँ को ले गया था, हम सभी जानते हैं, दिल्ली से दौलताबाद। और ये लगभग समय जो था वो 1318 से 1650 तक का काल था, और भक्ति काल की अंतिम समय सीमा जो मैं मानती हूँ वो 1320 या 1318 से 1600 तक ही मानती हूँ। इस कारण दिल्ली से दौलताबाद वो अपनी राजधानी ले गया था, जिसको दौलतगिरी भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, दौलतगिरी या दौलतागिरी। उसने अपनी राजधानी तो हस्तांतरित की ही, साथ ही चमड़े के सिक्के चलाए, है ना। उसका एक भाई था, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक इस समय सर्वप्रमुख शासक माना गया, और इसका एक भाई था जिसका नाम था जॉन शाह या जॉन शाही, जॉन शाह या जॉन शाही। और ये जो जॉन शाह या जॉन शाही था, इस पर एक काव्य लिखा गया जिसका नाम था चंदायन या मुल्ला दाऊद। ये मुल्ला दाऊद ने लिखा, और ये सूफी जो काव्य है उसका सर्व प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस समय जो धार्मिक व्यवस्था थी, यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि इस समय जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कुरान और हदीस आधारित थी। तो जो जो मुस्लिम शासक, जो इस्लामिक शासक जो हमारे थे, उन्होंने एक पाबंदी संपूर्ण जनता पर लगा दी थी, वो कुरान या हदीस आधारित धर्म व्यवस्था को अपनाएं। और कुरान और इस तरीके का जो राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, राजनीतिक एक तरीके से कह दीजिए कि इस्लामिक आक्रमण बहुत सारे हो रहे थे, और उस समय जो जनता थी वो संतृष्ट थी, जनता बहुत उदास थी, और वो ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा नवाचार हो, कुछ ऐसा नवजागरण हो जो हमारे यहाँ अब हमारी परिस्थिति अनुसार मिल करके जयघोष कर सके। दूसरी बात हम करते हैं, इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था, फिरोज तुगलक कबीर के समकालीन थे, आप सभी जानते हैं, और कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर के समकालीन जो शासक थे वो कौन थे, तो वो फिरोज तुगलक थे। फिरोज तुगलक से संत पीपा की हम लड़ाई का भी उल्लेख हमारे यहाँ आसपास में मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ चल रही थी, वो चल रही थी धार्मिक परिस्थिति। कौन सी परिस्थिति, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर जो था वो थी धार्मिक परिस्थिति। अब हम बात करते हैं इस समय तक आते आते जैन धर्म का लगभग विलोपन हो चुका था, और बौद्ध धर्म के दो, जो उनके जो दो भाग थे, एक हीनयान और एक महायान, उनके अतिरिक्त एक और संप्रदाय हमारे सामने आया जिसे हम कहते हैं वज्रयान। क्या कहते हैं,
बज्रयान या वज्रयान, और इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। लेकिन इन इस धार्मिक परिस्थिति में एक चीज का बहुत अधिक प्राधान्य हो गया था, वो था कर्मकांड। हिंदू समाजों के, हिंदू समाज के बहुत अलग अलग धड़े हो चुके थे। हर जाति अपने से कई अधिक उपजातियों में विभक्त थी। हर जाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने पे तुली हुई थी। हिंदू और मुस्लिम जो जातियाँ थीं, हिंदू और मुस्लिम जो दो संप्रदाय थे, उनमें परस्पर खूब लड़ाई दंगे हो रहे थे। और इस अवसर, इस सुअवसर का लाभ उठाकर धार्मिक पाखंड के ठेकेदार स्वार्थ के चूल्हे पर अपनी रोटियां सेक रहे थे। ऐसे इस मूल्य संक्रामक स्थिति में किसी को तो आना था, और वो आया भक्तिकाल। हिंदू और मुस्लिमों में रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं होता था। वो आपस में एक दूसरे के साथ खाना और बैठना पसंद नहीं करते थे। और इतना अधिक वैमनस्य समाज में व्याप्त हो गया कि लोग धर्मांतरण और धर्म प्रेरित राजनीतियाँ भी इस माहौल में करने लगे। अगली जो हमारी परिस्थिति है वो है सामाजिक परिस्थिति, कि समाज में, समाज का क्या हुआ, समाज कैसा, क्या चल रहा था। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, सामाजिक परिस्थिति में पर्दा प्रथा जो था वो बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही थी। छोटी छोटी लड़कियों के विवाह करना, छोटी छोटी लड़कियों की शादियां कर देना, ये आम बात थी। और महिला की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही थी इस सामाजिक परिस्थिति में, जब भक्तिकाल की मूल्य संक्रामक स्थिति आ रही थी और सामाजिक परिस्थिति में महिला की स्थिति बहुत अधिक दयनीय होती जा रही थी। उस ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक आवश्यकता महसूस होने लगी कि किसे पुकारा जाए, किसका अंतर्नाद किया जाए। और इस झंझावातों के इस दौर में, झंझावातों की एक परिस्थिति में समाज का जो है वो बिखराव होता जा रहा था। क्या होता जा रहा था? समाज का बिखराव होता जा रहा था। और इस समाज के बिखराव होने से, इस समाज का विघटन होने से, इस समाज का पतन होने से कुछ ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे कि धीरे 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 समाज में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव धीरे धीरे हमारे सामने आया। भक्ति आंदोलन धीरे धीरे हमारे सामने पैर फैलाने लगा। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भक्ति शुरू कहाँ से हुई। हम बार बार इस काल को भक्ति काल कहते हैं। भक्ति कैसे शुरू हुई, भक्ति की क्या जमीन थी जिससे ये काल आया। भक्ति की शुरुआत जो है वो भज धातु से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? भज धातु से। और ऐसा हम नहीं बता रहे, ऐसा एक विदेशी विद्वान थे, मोनियर विलियम्स। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे एक विद्वान थे मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स ने बताया कि भक्ति की शुरुआत जो है, भक्ति का जो जन्म है वो किस धातु से हुआ है? भज धातु से। और उस भज धातु का मतलब है लीन रहना, रमना, लीनता या अनुरक्ति। इसका क्या मतलब है? अनुरक्ति, लीन रहना, रमना, लीनता या अनुरक्ति। एक बात, सबसे पहले भक्त जो हमारे सामने आते हैं वो कौन है? नारद। सबसे पहले भक्त कौन है हमारे सामने? नारद। देखिए, मैं आपको उन बारीक चीज़ों का, उन छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करा रही हूँ। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें पता हो, लेकिन जब परीक्षा में हमारे सामने बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के चयन में जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम धीरे धीरे उसमें हम थोड़ी सी गलतियाँ करने लगते हैं। तो मैं आपको पूरा शुरू से इसीलिए समझा रही हूँ, छोटी छोटी बात इसीलिए बता रही हूँ कि हम कहाँ तक उस गहराई में, उस विषय वस्तु को समझने में समर्थ हुए हैं। तो सबसे पहले भक्त कौन थे? नारद। नारद की जो संहिता थी, नारदीय संहिता जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी। भक्ति उसको उन्होंने किसको कहा है? सा परानुरक्तीश्वरे। भक्ति क्या है? वह ईश्वर के प्रति अनुरक्ति है।
भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति अनुरक्ति है, ऐसा नारद ने हमें बताया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं कि भारतीय साहित्य में भक्ति की भावधारा, भक्ति का प्रेरणा स्रोत हमें कहाँ से मिलता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, भक्ति भारतीय साहित्य में हमको कहाँ से मिली? तो मैं बताना चाहती हूँ, भारतीय साहित्य में पुराण लिखे गए, भारतीय साहित्य में वेद लिखे गए और साथ ही साथ लिखे गए उपनिषद। एक उपनिषद है हमारे यहाँ, श्वेता श्वेतर उपनिषद। क्या नाम है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। फिर से दोहरा रही हूँ, क्या नाम है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। इसके छठे अध्याय के 33वें श्लोक में सर्वप्रथम हमें भक्ति का उल्लेख मिलता है। छठे अध्याय के 33वें दोहे में, है ना? छठे अध्याय के 33वें दोहा किसका? श्वेता श्वेतर उपनिषद में भारतीय साहित्य मनीषियों ने भक्ति की सर्वप्रथम व्याख्या की है। भक्ति क्या है ये बताया है, फिर हम उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले श्वेता श्वेतर उपनिषद के छठे अध्याय के 13वें दोहे में भक्ति की परिकल्पना हमको मिलती है। यहाँ तक हम सभी समझ गए हैं। अब यहाँ हम आगे चलते हैं कि भक्ति काल का उदय या भक्ति काल का विकास कैसे हुआ। देखिए, भारत के दो रूपों में भारत बटा हुआ है, एक है उत्तर, एक है दक्षिण। एक है उत्तर और एक है दक्षिण। दक्षिण में समुद्री तट है, है ना? दक्षिण में क्या है? समुद्री तट है। तो यहां उत्तर भारत की अपेक्षाकृत आवागमन उस समय ज्यादा होता था, एक बात। समुद्री तट जो थे वो व्यापारिक केंद्र थे, यहाँ बौद्धों का, वज्रयानियों का, एक वज्रयानियों से युद्ध की स्थिति होने लगी और उस युद्ध का मुकाबला किया दक्षिण के आलवार संतों ने। भारतीय साहित्य के भक्ति काल का उदय दक्षिण के आलवार संतों से हुआ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का भी मत है और प्रायः सभी विद्वान, ये बात ध्यान रखने योग्य है, प्रायः सभी विद्वान ये मानते हैं कि दक्षिण में भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? आलवार भक्तों से। अब हम देखिए, आलवार और नयनार, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम भक्ति को कैसे पहचान रहे हैं, भक्ति काल कैसे हमारे यहाँ दस्तक दे रहा है, वो हम यहाँ पहुँच गए हैं। आलवार संत थे वैष्णव और नयनार संत थे शैव। यूं भक्ति काल का जो विस्तार है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसाम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में, कश्मीर से कन्याकुमारी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा संप्रदाय था? वारकरी संप्रदाय, जिसमें कृष्ण को क्या कहा जाता है? विठ्ठल या विठोबा। उसके बाद गुजरात में कौन सा संप्रदाय? पंच सखा संप्रदाय। ये सब समकालीन संप्रदाय हैं, पंच सखा संप्रदाय। उसके बाद बंगाल में कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु ने उस वक्त चलाया था। आसाम में यहां हम भक्ति आंदोलन की का फैलाव, भक्ति आंदोलन का विस्तार देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, जिसमें विठ्ठल या विठोबा थे। गुजरात में पंचसखा संप्रदाय,
बंगाल बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय और असम में भी भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ तीन शब्द, चूँकि विठोबा का जिक्र आ गया है, विठोबा की बात हम कर रहे हैं, तो मैं तीन शब्द आपको बताऊंगी। एक तो तिरुमालय, तिरुमालय, दूसरा मायोन और तीसरा विठोबा या विठल। ये तीनों संप्रदाय, ये तीनों नाम, ये तीनों प्रभु के स्वरूप हैं जो भक्ति काल से प्रेरित हैं। तिरुमालय तमिल में, मायोन भी तमिल में और विठोबा वारकरी में। अब एक बात, एक जगह और थी, वो जगह थी तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ हुआ? दक्षिण में। और दक्षिण में कौन से संत थे? आलवार संत। आलवार संतों को हम कहते हैं वैष्णव और नैनार संतों को हम कहते हैं शैव। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु में आलवार संतों के बारे में। देखिए वो क्या जागृति थी, वो क्या बात थी जो हमारे भक्ति आंदोलन को जागृत करने में हमारे समक्ष आई। तो तमिलनाडु में भी भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, वहाँ कौन से संत थे? आलवार। आलवार संत कौन थे? वैष्णव, जिन्हें हम वैष्णव के नाम से जानते हैं। उसके अतिरिक्त संत थे नयनार। नयनार को हम जानते हैं शैव के बारे में, शैव मत, नयनारों का मत। अब क्या हुआ, इन दोनों संतों ने परस्पर मिलकर के, है ना, बौद्धों का या वज्रयानियों का, वज्रयानियों का मुकाबला किया था। और ये दोनों संत जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को हम कहते हैं तोताद्री, तोताद्री संप्रदाय या तोताद्री स्थल उस जगह का नाम है जहाँ ये दोनों, जहाँ ये दोनों मत जो हैं ये मिलते हैं, और इस जगह को हम कहते हैं तोताद्री। आलवार संख्या में कितने? 9, 12 है आलवार। और नयनार संत कितने? 63। कितने आलवार? 12। और नयनार कितने? 63। और ये दोनों जगह को जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं हम तोताद्री। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन इनने क्या किया था? मिलकर के बौद्ध धर्म का मुकाबला किया था, इसलिए ये इस जगह पर धार्मिक पूजा के लिए, अपने धर्म संप्रदायों के लिए इकट्ठा होते थे। अब देखिए, आपको धीरे धीरे इसमें आनंद आ रहा होगा। आलवार संख्या जो मैंने आपको बताई 12, 12 में से 11 पुरुष थे और एक थी स्त्री। जो इसमें सबसे श्रेष्ठ अलवार थे उनको हम कहते हैं नम अलवार। क्या नाम था उनका? नम अलवार, नम्मालवार भी कई बार, नम्मालवार भी हम उनको कई बार कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ आलवार थे। संस्कृत और हिंदी में इनका नाम मिलता है षटकोप। इनका क्या नाम था? षटकोप। इन अलवार वैष्णव संतों में 12, 11 प्लस 1 अर्थात 11 तो थे पुरुष और एक थी स्त्री, उसका नाम था अंडाल या आंडाल। समझ में आ गया होगा, तमिलनाडु में भक्ति का प्रचार, एक बार हम दोहरा लेते हैं, तमिलनाडु में भक्ति का प्रचार प्रसार आलवार संत तमिल के जो वैष्णव थे, नयनार संत जो शैव थे, ये जो दोनों आपस में एक जगह मिलते हैं उस स्थल को हम कहते हैं तोताद्री। फिर इसमें जो सर्वश्रेष्ठ संत था वो था नमलवार, नम्मालवार भी उसको कहते हैं, और उनका नाम था षटकोप। अब इन 12 में से, इनकी संख्या 12 थी, नयनारों की संख्या 13 थी, इन 12 में से एक, 11 पुरुष और एक स्त्री थी। स्त्री का नाम अंडाल या अंडाल मिलता है जिसे संस्कृत और हिंदी में हम कहते हैं गोदा या गोधा, और इस गोधा या गोधा के पति का नाम था रंगनाथ, जो कालांतर में शायद, मैं शायद लगा रही हूँ, शायद
कृष्ण के नाम से पूजे गए। इस अंडाल के पति का नाम था रंगनाथ। ठीक, यहाँ तक हम सभी समझ गए हैं। अब वापस से संख्या दोहरा लेते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी? नाथों की संख्या कितनी? नौ। नौ, जिसे हम कहते हैं नवनाथ। सिद्धों की कितनी? 84। 84 सिद्ध कहे जाते हैं। अलवारों की कितनी? 12 है, जिसमें से 11 प्लस 1 स्त्री थी। और नैनारों की कितनी? नैनार की कितनी? 63। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इन अलवारों ने 4000 पदों का संकलन किया। क्या किया? इन अलवारों ने 4000 पदों का संकलन किया। जिसका नाम था नव्य नलियर दिव्य प्रबंधम। क्या नाम था? नव्य नलियर दिव्य प्रबंधम। कई बार बहुधा परीक्षाओं में पूछा गया है दिव्य प्रबंधन किसने लिखा, तो किसने लिखा था? अलवारों ने। संख्या कितनी पदों की? 4000 पद, 4000 दोहे, 4000 पद थे इसमें। संकलन किसने किया? नाथ मुनि ने। संकलन किसने किया था? नाथ मुनि ने। और इसका ग्रंथ का नाम क्या था? नव्य नलियर दिव्य प्रबंधम। इस नव्य नलियर दिव्य प्रबंधम को हम आलवारों का वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलवारों का वेद। अलवारों का वेद क्या कहते हैं? नव्य नलियर दिव्य प्रबंधम को हम अलवारों का वेद। ठीक, आंडाल या गोदा को हम दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। कई बार आप लोग ये नोट कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत की मीरा कौन है, तो दक्षिण भारत की मीरा कौन किसे कहेंगे हम? आंडाल या गोदा को। अब मैं एक बार फिर से सारी बात दोहरा रही हूँ। अलवारों की संख्या 12, जिसमें 11 पुरुष हैं और एक स्त्री है। 11 पुरुष में सर्वश्रेष्ठ जो अलवार है वो नम्मा अलवार या षटकोप है। स्त्री का नाम अंडाल या आंडाल है, जिसे हम संस्कृत और हिंदी में गोदा कहते हैं। गोदा के पति का नाम रंगनाथ है। गोदा दक्षिण भारत की मीरा कही जाती हैं। और अलवारों ने 4000 पदों का संग्रह किया है, जिस संग्रह को नाथ मुनि ने संग्रहित किया है, और उसका नाम है नव्य नलियर दिव्य प्रबंधम। और हम उसे अलवारों का वेद की संज्ञा देते हैं। अलवार जो हैं वो संख्या में 12 हैं, नैनार संख्या में 63 हैं, जहाँ इन दोनों का एक साथ मिलन होता है, जहाँ ये एक साथ मिलकर अपनी धर्म पूजा करते हैं, उस स्थल को हम तोताद्री के नाम से जानते हैं। जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आगे की जो चर्चा है वो मैं अपने आगामी अध्यायों में करूंगी, आगामी टॉपिक्स में करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।